Hello everyone. Today we learn Visual Basic 6.0. Visual Basic 6.0 के प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे. विजुअल बेसिक क्या होता है और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं इंटरनेट से. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. व्हाट इज़ विजुअल बेसिक? विजुअल बेसिक इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं. ऐसे ही विजुअल बेसिक भी क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. ये हम आगे देखेंगे कि इवेंट क्या होता है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं. और ये आपको GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है. GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ये भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे. विजुअल बेसिक का जो पहला वर्जन है, विजुअल बेसिक 1.0, वो आया था 1991 में, जिसको डेवलप किया था एलन कॉपर ने. जो विजुअल बेसिक का 6.0 है उसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन 1998 में. सो स्टार्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं. तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी होती हैं? जो मशीन लैंग्वेज होती है उसी को क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, ये आपकी किस में आती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है, सिंपल कंप्यूटर नो ओनली मशीन लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हो. बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आपकी दो डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1. अब क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज होती है उनको लर्न करना, राइट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट आया असेंबलर का. असेंबलर क्या करता था, असेंबलर मशीन कोड को, यानी कि जो आपका बाइनरी कोड होता है उसको एक इसमें ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में. और असेंबली लैंग्वेज में कुछ निमोनिक सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि MOVX. ये क्या होते हैं, निमोनिक सिंबल्स. जैसे सपोज ए पर्सन ए है जिसको हिंदी लैंग्वेज आती है, ए पर्सन बी है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है. अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि एक को सिर्फ हिंदी आती है और एक को सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इनमें कम्युनिकेशन होगा ही नहीं. तो बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर. तो यहाँ पे जो असेंबलर है वो एज ए ट्रांसलेटर वर्क कर रहा है, जो मशीन कोड को असेंबली में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर असेंबली कोड को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड को, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, तो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो काफ़ी टफ होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इनको लर्न करना, राइट करना काफ़ी क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं. ठीक है, तो लो लेवल के बाद आपकी जो प्रोग्राम आई थी वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं, या फिर किसी किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन दोनों का ही यूज़ होता है, कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी. कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है ये भी हम समझेंगे. तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है मशीन कोड. जो कंपाइलर होता है वो भी यहाँ पे एक्ट एज ट्रांसलेटर है, जो मशीन कोड को यानी कि बाइनरी कोड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग, यानी जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके. जैसे कि इंग्लिश, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग में हाई लेवल में यूज़ करते हो प्रिंट, सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं, जबकि जावा में क्या लिखते हैं, जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. और अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो इसके अंदर डिम ए एस इंटीजर लाइक दैट ऐसे क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, कंपाइलर. कंपाइलर क्या करेगा, मशीन कोड को डायरेक्टली किस में ट्रांसलेट कर देगा, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकें. तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो काफ़ी सिंपल होती हैं, यूज़र फ्रेंडली होती हैं. इनके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें
तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, विजुअल बेसिक, PHP है, पाइथन है, ये सभी क्या हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को, यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को ही क्या करेगा, एक ही बार में क्या करेगा, कंपाइल करेगा, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है उसको, वो लाइन बाय लाइन आपको बता देगा कि इस लाइन में एरर है, ठीक है। जबकि कंपाइलर क्या करेगा, पूरा आपको प्रोग्राम पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो ये काम होता है कंपाइलर का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद जो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, देखिए इसमें एक वर्ड है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है एक्शन, जैसे कि हम माउस से क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, या सिंपल आप एग्जांपल ले लो, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो ये ऑप्शंस फिल करने के बाद लास्ट नीचे एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है रजिस्टर्ड, ठीक है, या फिर क्रिएट योर अकाउंट, इस टाइप से। तो उस पे आप क्या करते हो, क्लिक करते हो। जैसे ही आप माउस पे क्लिक करते हो तो एक एक्शन परफॉर्म होता है। जितना भी डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है उस फॉर्म में, वो क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है, और एक डेटाबेस के जो सर्वर होता है, डेटाबेस में जाके क्या हो जाती है, सेव। यानी कि माउस का क्या होता है, इसके अंदर इंटरेक्शन होता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम डिटरमाइंड बाय द इवेंट्स, यानी कि इसके अंदर इवेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जिसमें माउस का ज़्यादा इंटरेक्शन होता है आपका। टू परफॉर्म एन एक्शन सच एज क्लिकिंग ऑन बटन, ड्रैगिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, आपके इवेंट होते हैं। इन विजुअल बेसिक यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एनी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एनी वेयर ऑन द फॉर्म। आगे हम जब विजुअल बेसिक के प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर आपकी फॉर्म विंडो होगी, एक साइड आपका टूल होगा जिसके अंदर हम टूल्स को क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक फॉर्म वन बना हुआ है जिसके अंदर एंटर फर्स्ट नंबर, इसको लेबल बोलते हैं, और उसके सामने क्या है, एक टेक्स्ट फील्ड है जिसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। फिर लेबल है, फिर उसके सामने क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, और एक बटन बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, ऐड बटन। और जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ऐड पे, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट वन और टू में जो भी हमने इनपुट किया है वो आपको यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट सरी है जहाँ पे लिखा हुआ है 17, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हम आगे बनाएंगे, आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि विजुअल बेसिक है क्या, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट, ग्राफिकल GUI इंटरफेस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते थे वो आपके कौन से थे, वो थे आपके CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर आपका कमांड पे काम होता था। यानी आपको कुछ भी फोल्डर क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करते थे, कमांड देते थे। लेकिन आजकल आप क्या करते हो, जैसे आप माउस से राइट क्लिक किया, या फिर आपके पास आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, या फिर माउस को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, GUI इंटरफेस में होती है। जबकि करेक्टर यूजर इंटरफेस में आपको हर एक काम करने के लिए क्या करना पड़ता था, कमांड देनी पड़ती है। लेकिन वही काम हम यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहे हैं, माउस की हेल्प से कर रहे हैं। जैसे आपको फोल्डर बनाना है तो आप माउस से राइट क्लिक करके क्या करते हो, फोल्डर बनाते हो। कोई फाइल ओपन करनी है, आप क्या करते हो, उस फाइल की आइकन पे आप डबल क्लिक करते हो, और वो फाइल आपके सामने क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, माउस का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये था आपका विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन। और अब हम देखते हैं कि विजुअल बेसिक को इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए मैं एक बार नेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरनेट को यहाँ से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने हॉटस्पॉट के थ्रू इसको कनेक्ट किया है पीसी को। अब जाते हैं ब्राउजर पे, गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे और जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है गेट इनटू पीसी, सिर्फ इतना ही टाइप करना है और ये मेन वेबसाइट आपकी आ जाएगी गेट इन टू पीसी। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा इधर राइट कॉर्नर में। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए विजुअल बेसिक 6.0 और क्या कीजिए, गो बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए आपको यहाँ पे विजुअल बेसिक मिलेगा। ये जो ऑप्शंस आपका विजुअल बेसिक 6.0, इसी पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दिखा देगा नीचे डाउनलोड करने का। तो आप नीचे आइए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, आपका कॉम्पैटिबल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट, यानी अगर आपका लैपटॉप है 64 बिट है तो आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप पीसी डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो जो 32 बिट है तो उस पर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी कुछ, भाई इतनी रैम होनी चाहिए, ठीक है इतना स्पेस होना चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग दिखा रहा है और आपका जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सेटअप आपको इजीली मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड होना, नहीं देखिए गेट इन टू पीसी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। तो ये नियर अबाउट 617 MB, 617 MB का ये सेटअप है। ठीक है, और इसके अंदर सीरियल की नहीं मिलेगी। सीरियल की कैसे आपको सर्च करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है विजुअल बेसिक 6.0 सीरियल की और एंटर। और यहाँ पे आपको इमेजेस पे क्लिक करना है। इमेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको देखो फर्स्ट नंबर पे ही दिखा रहा है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे इसको तो आपको ये सीरियल की डालनी है। ठीक है, 8122244558, ठीक है, और ये डाल के आप जब उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन और कैसे आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। ठीक है, डाउनलोड आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर लेना इसको डाउनलोड, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे कि कैसे हम इसके अंदर प्रोग्राम्स बनाते हैं, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।